तो गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। मैं आज आप सभी को भारतीय समाज का चैप्टर पहला पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि है भारतीय समाज एक कल्चर। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, एक एक नंबर का आता है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। समाज शास्त्र आपकी व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच श्रृंखला एवं संबंधों को उजागर करने में सहायक है। यह विचार किस समाजशास्त्र ने दिया है? यह विचार सी राइट मिल्स ने दिया है। पावर इलीट किसकी रचना है, वो है सी राइट मिल्स की। समाज क्या है? समाज एक मूर्ति है। सी और उसके बाद आता है अति लघुतरी प्रश्न, जो कि 3 नंबर कहते हैं। पहला प्रश्न है, सी राइट मिल्स कौन थे? तो सी राइट मिल्स एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। वह वर्ष 1946 से वर्ष 1962 तक कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए में समाजशास्त्र के प्राध्यापक थे। उन्हें समाजशास्त्र के अभिजात्य सिद्धांत के लिए जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना पावर इलीट की रचना है, ठीक है, जिसमें वर्गीय असंतोष की समाजशास्त्रीय व्याख्या की गई है। प्रश्न नंबर दूसरा है, धार्मिक तथा जातिगत समुदायों के सृजन का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर है इसका, धार्मिक तथा जातिगत समुदायों के सृजन का श्रेय औपनिवेशिक ताकतों को प्राप्त है। उपनिवेशवाद ने धर्म और जाति को केंद्रीय प्रदान करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित किया। लघुत्तरी प्रश्न जो कि 6 नंबर के आते हैं, पहले से ही तथा अपने अनुभव से हासिल किया गया सहज ज्ञान अथवा अवबोध समाजशास्त्र के अध्ययन में सहायक भी है और बाधक भी है, समझाएं वो कैसे। उत्तर, पहले से ही तथा अपने अनुभव को हासिल किया गया सहज ज्ञान अथवा अवबोध समाजशास्त्र के अध्ययन में सहायक भी है और बाधक भी। सहायक इसलिए समाजशास्त्र भयभीत करने वाली विषय विद्यार्थी के लिए नहीं रह जाता, उन्हें यह प्रतीत होता है कि उन्हें इस विषय में कुछ न कुछ जानकारी है। ऐसे में इसे अध्ययन क्षेत्र के प्रति एक आकर्षण पैदा होता है। समाजशास्त्र के लिए सबसे बड़ा बाधा समाज का विशिष्ट व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक अध्ययन है।